जा रही थी मेरी कोहनियां तोड़ के मुझे लाइफ टाइम डिसेबल करके एक एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वो जान से मारने आए थे, मुझे वो डिसेबल करने आए थे। लेकिन उसी दौरान उनमें से एक जो हमलावर था उसके मोबाइल पर कॉल आ गई और उस वक्त इनको पैनिक हुआ कि ये मोबाइल पर कॉल आ गए थे, वो फिर जो फेंसिंग में आ सकता कर अगर ये उनमें कोई तहकीक करना चाहें तो उस वक्त वो पैनिक में पीछे हटा। तो उस वक्त मुझे मौका मिल गया पहली दफ़ा थोड़ा सा आपको हिलाने का। आज रात मैं एक रोजा सरकारी दौरे पर कुवैत जा रहा हूं, जहां पर 2010 और 11 से रुके हुए फैमिली और बिजनेस वीजे के इजरा का फैसला होगा और मायदा तय पाएगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं मजदूरों के सिलसिले में भी वहां उनके साथ कोई मायदा कर सकूं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि असद टूर्स के मसले में बाज लोग हमारी हसास तरीन एजेंसियों को बिला वजह मुलव्वस करना चाहते हैं। हमें एक अहम फुटेज आज मिली है जिसके जरिए मुझे यकीन है कि हम काफी हद तक मुलजमों तक पहुंच जाएंगे। अभी आईजी इस्लामाबाद से भी मेरी बात हुई है और आज मैं एफआईए को भी हदायत करता हूं कि दोनों अदारे मिलकर काम करें और असद तूर के मुलजमों को शिकंजे में लाएं और कानून के दायरे में लाएं।